हाँ जी, थियोडोलाइट शुरू करते हैं। आज का यहाँ लाइट का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था ना, इसलिए प्रॉपर चार्ज वगैरह पे लगा के प्रॉपर सिस्टम से कनेक्ट करके इसीलिए टाइम लग गया आज। हाँ जी, शुरू करते हैं। मैं एक मिनट मेरे मोबाइल से और ज्वाइन कर लूँ तो आप चैट पे क्वेश्चन पूछ पाए। हाँ जी, तो मैंने मोबाइल से कर लिया है ज्वाइन, आप चैट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन थियोडोलाइट पे। तो थियोडोलाइट कैसा है? प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है। थियोडोलाइट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है, प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। जो कि मेनली किसके लिए यूज आता है भैया? मैंने आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क बताया था, ठीक है ना। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क बताया था। रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद, एक मिनट, हल्का सा गेट बंद करना पड़ेगा शायद। हाँ जी, अब नहीं होगी शायद प्रॉब्लम। थियोडोलाइट है इज ए प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट विच इज मेनली यूज टू मेजर दी Which is mainly used to measure the, which is mainly used to measure the horizontal and vertical angle, horizontal and vertical angles। देखिए, मैं एक लेक्चर आपका क्या है रिकॉर्ड करके डालूंगा जिसमें मैं पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। एक लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड करके डालूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, ठीक है ना, जिसमें मैं पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है ना, जिसमें मैं पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि लाइव में वैसे मैं सोच रहा था टीवी से सिस्टम कनेक्ट करके आपको या तो बता दूं, ठीक है ना। तो मैं वो क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा जिसमें पार्ट्स बता दूंगा। हार्डली 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा वो, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी बेसिक्स बता देता हूँ और डेफिनेशन बता देता हूँ इससे जुड़ी हुई। तो थियोडोलाइट एक प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, प्रीसाइज और एक्यूरेसी में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। प्रीसाइज आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारियों से मतलब रखता है, सिंपल सी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है ना, या डिग्री ऑफ परफेक्शन का है, एक्यूरेसी छोड़िए, डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज जो है ना वो होता है प्रीसीजन। जो आप डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज कर रहे हैं वो है प्रीसीजन, और डिग्री ऑफ परफेक्शन अचीव जो होता है ना वो हो गई एक्यूरेसी। मतलब जो हमें प्राप्त हुआ वो एक्यूरेसी है और जो हम यूज कर रहे हैं वो प्रीसीजन है, ठीक है ना। तो थियोडोलाइट एक प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है जो मुख्यतः हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नापने के लिए यूज होता है। इसके अदर यूजेस भी हैं, इसके अदर यूजेस भी हैं, इसके अदर यूजेस भी हैं। हाँ जी, अदर यूजेस क्या क्या हैं भैया? लेवलिंग में काम आता है, लेवलिंग में काम आता है, यानी डिफरेंस इन एलिवेशन बताता है, ठीक है ना। डिफरेंस इन एलिवेशन बताता है, लेवलिंग में काम आता है, ठीक है ना। टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाने के काम आता है। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाने के काम आता है, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाने के काम आता है। हिंदी बोल रहा हूं भैया, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं मैं। लेवलिंग में काम आता है, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाने के काम आता है, एस्टेब्लिशिंग, यूज टू एस्टेब्लिश पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना भैया। पॉइंट एस्टेब्लिश करने का काम आता है स्ट्रेट लाइन पर, यूज टू एस्टेब्लिश पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट एस्टेब्लिश करने के काम आता है। हाँ जी, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप अशोक लेखवानी पे चैट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इस पे आपके डाउट देख लूंगा, ठीक है ना। अशोक लेखवानी पे चैट कर सकते हैं आप, मैं डाउट देख लूंगा, ठीक है। हाँ जी, लेवलिंग में यूज होता है, स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाने में यूज होता है, स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट स्थापित करने में यूज होता है, ग्रेड एस्टैब्लिश करने में यूज होता है। ना, ये एक बार फोटो लीजिए तो मैं आगे लिखूंगा, ऊपर फोटो ले लीजिए, आगे लिख लूंगा अदर यूजेस, ठीक है ना। अदर यूजेस आगे लिखूंगा मैं, फोटो ले लीजिए।
हाँ जी आगे के यूजेस लिख रहा हूं मैं। आगे यूजेस लिख रहा हूं और मैं हाँ जी बियरिंग मेजरमेंट के लिए यूज ले सकते हैं, यूज्ड फॉर बियरिंग मेजरमेंट। ठीक है ना, कंटिन्यू कर रहा हूं अभी अदर यूजेस में, यूज्ड फॉर बियरिंग मेजरमेंट। ठीक है ना, यूज फॉर सेटिंग आउट ऑफ कर्व, भैया कर्व सेट आउट करने में हो सकता है। ठीक है ना भैया, आपको पता है टू थियोडोलाइट मेथड होता है। ठीक है ना, सेटिंग आउट ऑफ कर्व के लिए, ये सब इसके अदर यूजेस हैं, ये सब इसके अदर यूजेस हैं जो मैंने आपको बताए, ये सब इसके अदर यूजेस हैं। ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताए, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताए। हाँ जी, अगला क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट। हाँ जी, बेस्ड दो चीजों पर बेस्ड है। ठीक है ना भैया, दो चीजों पर बेस्ड है, एक तो ट्रांजिटिंग पर बेस्ड है। ठीक है ना, कि ट्रांजिट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है ना, और आपका एक बेस्ड है एक्यूरेसी के आधार पर बेस कर रहे हैं, या रीडिंग लेने के आधार पर भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग के आधार पर, ट्रांजिटिंग के आधार पर, बेस्ड ऑन ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग के आधार पर अपन दो तरीके के थियोडोलाइट बताते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। ठीक है ना, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। हाँ जी, ट्रांजिट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिंग क्या है। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिंग क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रांजिटिंग क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास इस तरीके से एक थियोडोलाइट है जिसका ये वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में है, वर्टिकल सर्कल लेफ्ट में है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से घुमाऊंगा। ठीक है ना, किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूं। ठीक है ना, वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, 180 डिग्री से। इसी को कहते हैं ट्रांजिटिंग, यानी जो फेस लेफ्ट होता है वो हमारा फेस राइट बन जाता है ट्रांजिटिंग के बाद। ठीक है ना, ट्रांजिटिंग क्या हो गया, टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में जो रोटेट किया जाता है, टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में जो रोटेट किया जाता है 180 डिग्री से अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को कहा जाता है ट्रांजिटिंग। ठीक है ना, और भी नाम होते हैं इसके, रिवर्सिंग प्लंजिंग। ठीक है ना, रिवर्सिंग और प्लंजिंग भी इसी के नाम होते हैं। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या हो गया, ट्रांजिट थियोडोलाइट वो हो गया जिसमें टेलीस्कोप को रोटेट किया जा सकता है 180 डिग्री से। ठीक है ना, वो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट हो गया, जिससे कि लाइन ऑफ साइट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। और नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या हो गया, जिसको रोटेट नहीं कर सकते। तो एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले है ट्रांजिट थियोडोलाइट। हाँ जी, पहले है ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट। ट्रांजिट थियोडोलाइट, हाँ जी, तो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या हो गया, थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड, थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड। हाँ जी, थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कैन बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस थ्रू 180 डिग्री, थ्रू 180 डिग्री, थ्रू 180 डिग्री, सो दैट लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है ना, सो दैट लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड।
ठीक है ना। हाँ जी, हिंदी में बोले तो वह थियोडोलाइट जिसमें कि टेलीस्कोप को 180 डिग्री से ऊर्ध्वाधर समतल में क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घुमाया जा सकता है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर समतल में क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घुमाया जा सकता है 180 डिग्री से, जिससे कि लाइन ऑफ साइट क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो ऐसा थियोडोलाइट क्या कहलाएगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाएगा। ऐसा थियोडोलाइट क्या कहलाएगा, ट्रांजिट थियोडोलाइट कहलाएगा, जिसमें लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना, रोटेट कर सकते हैं हम टेलीस्कोप को, ठीक है ना, 180 डिग्री से, ठीक है भैया। कुछ हिंदी की बुकों में 360 डिग्री लिख रखा है, सही नहीं है, वो 180 डिग्री का ही रहता है, ठीक है ना। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, कि 180 डिग्री से घुमा सकते हैं। हिंदी में बोलता जा रहा हूं, उसको आप सुन लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, वैसे आजकल जनरली ट्रांजिट थियोडोलाइट ही यूज हो रहे हैं, अपने कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल किए होंगे तो ट्रांजिट थियोडोलाइट ही यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड, सेकंड नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है ना, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। हाँ जी, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट को और क्या बोलते हैं हम, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट को और क्या बोलते हैं हम, वाई थियोडोलाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाई थियोडोलाइट भी बोला जाता है, प्लेन थियोडोलाइट भी इसी को ही बोला जाता है, प्लेन थियोडोलाइट भी इसी को ही बोला जाता है, और वाई थियोडोलाइट भी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना, प्लेन थियोडोलाइट या वाई थियोडोलाइट भी इसी को ही बोला जाता है। ये आजकल ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, ठीक है ना, ये आजकल ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, ठीक है, ये आजकल ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, मतलब ये अब यूज नहीं होते हैं, अब यूज नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ साइट को आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, 180 डिग्री से रोटेट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, 180 डिग्री से रोटेट नहीं होगा, ठीक है ना, रोटेट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात लिख दें इसके अंदर, ठीक है ना, थियोडोलाइट इन विच, थियोडोलाइट इन विच टेलीस्कोप कैन नॉट बी रोटेटेड, कैन नॉट बी रोटेटेड इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेस थ्रू 180 डिग्री, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सेस थ्रू 180 डिग्री, मतलब इसमें रोटेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है ना, इसमें रोटेट नहीं कर सकते। पिछले वाले में रोटेट कर सकते थे, इस वाले में रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपका नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट हो गया, ये आपका नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट हो गया, ठीक है ना। ये आजकल यूज नहीं होते, ये आजकल यूज नहीं होते, ठीक है ना, यूज नहीं होते, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं इसको। तो एक तो बेसिस आपका हो गया ट्रांजिटिंग, एक तो बेसिस आपका हो गया ट्रांजिटिंग। दूसरा जो बेसिस है, दूसरा जो बेसिस है, आप ये कह सकते हैं प्रीसीजन या एक्यूरेसी, ठीक है ना, और रीडिंग लेने के तरीके में भी है, रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। एक क्लासिफिकेशन खत्म हो गया मेरा, भैया रोटेट कर सकते हैं तो ट्रांजिट थियोडोलाइट, रोटेट नहीं कर सकते तो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी हो गई, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी हो गई। अगला, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रीसीजन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन प्रीसीजन कह सकते हो, रीडिंग लेने के आधार पर भी बोल सकते हो। तो इसके आधार पर दो हो गए, वर्नियर थियोडोलाइट और प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, वर्नियर थियोडोलाइट और प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट। हाँ जी, वर्नियर थियोडोलाइट और प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक है ना, वर्नियर थियोडोलाइट और प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, ठीक है ना। ये आपके दो प्रकार के हो गए थियोडोलाइट, ठीक है ना, आपके किसके आधार पर, प्रीसीजन के आधार पर। यहाँ पे आप वर्नियर यूज करेंगे, और वर्नियर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट आता है, हाँ जी, वर्नियर थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट आता है वो 20 सेकंड आता है,
ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं वर्नियर थ्योरी लाइफ में वर्नियर आर यूज फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, ठीक है ना, और ये जनरल वर्क के लिए यूज होता है, ये जनरल वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो पहला वर्नियर थ्योरी लाइफ, ठीक है ना, वर्नियर थ्योरी लाइट, वर्नियर थ्योरी लाइट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वर्नियर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, वर्नियर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, वर्नियर्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, एक बीच में इंफॉर्मेशन ये दे रहा था, मैंने आपको पहले भी अनाउंस कर दिया और फिर अनाउंस कर रहा हूं कि ऐप में जो सारी क्लासेस आपके पास अपलोड हो रही है ये मिनिमम 2 months आपके पास अवेलेबल रहेंगी, ठीक है ना। मैं आपको बता दिया है कि स्पेस बढ़वा दिया था, आपके पास मिनिमम 2 months अवेलेबल रहेंगी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो परेशान ना हो इस चीज के लिए, ठीक है ना। वर्नियर्स आर यूज फॉर टेकिंग द रीडिंग्स, किसमें, वर्नियर थियोडोलाइट में। इसका लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है, इसका जो अल्पतमांक होता है, ठीक है ना, यानी जो मिनिमम रीडिंग ये ले सकता है वो है 20 seconds, जो मिनिमम रीडिंग ये ले सकता है वो है 20 seconds, ठीक है ना, 20 seconds, ठीक है ना, 20 seconds। कैसे, एक कंप्लीट जो आपका सर्कमफेरेंस है ना, जो आपका मेन, आप बोलेंगे मेन स्केल, ठीक है ना, जो आपका ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल जो है उसमें एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस, एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो है वो डिवाइड है, एक पूरी परिधि जो है, एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस डिवाइड है कितने भाग में, 1080 भागों में, डिवाइडेड इनटू द 1080 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू द 1080 पार्ट्स। भैया ये कंप्लीट जो सर्कमफेरेंस हो गया, एक पूर्ण परिधि, ठीक है ना, एक पूर्ण परिधि जो है मेन स्केल की, किसकी, मेन स्केल की, 1080 भागों में विभाजित है, 1080 भागों में विभाजित है। तो एक पूर्ण परिधि पे एंगल कितना हो गया, ठीक है ना, एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो जो मेन, जो आपका स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना मेन स्केल पर, हाँ जी, स्मॉलेस्ट डिवीजन है जो मेन स्केल पर, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है मेन स्केल पर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, भैया मेन स्केल पर जो सबसे छोटा डिवीजन है, सबसे छोटा भाग है, तो एक पूरी परिधि हो गई 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री डिवाइड हो गया 1080 पार्ट्स में, 360 डिग्री डिवाइड हो गया 1080 पार्ट्स में, तो यानी ये हो गया 1/3 degree, 1/3 degree, 1 degree होता है 60 minutes का, 1 degree होता है 60 minutes का, तो 60/3 आ गया 20 minutes। तो भैया ये तो है मेन स्केल, ये तो है मेन स्केल। अब इसके साथ वर्नियर और अटैच है, ठीक है ना, इसके साथ क्या अटैच है, वर्नियर और अटैच है। एक बार मैं चाह रहा हूं ये मैं मिटाऊंगा, ठीक है ना, ये मैं मिटाऊंगा, तो एक बार आप फोटो ले लें ताकि मैं वर्नियर का कहानी और समझा सकूं, ठीक है ना, इसके बाद मैं वर्नियर की कहानी और समझा सकूं, तो फोटो ले लें, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी वर्नियर थोड़ा लाइट में ही चल रहा है, इसके बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है, इसके बाद की बात बता रहा हूं। हाँ जी, देखिए अब जो आपके 59 पार्ट्स है ना मेन स्केल के, 59 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल बराबर होते हैं 60 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, 59 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल बराबर होते हैं 60 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, 60 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। तो हम लोग जानते हैं लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, यानी अल्पतमांक का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अल्पतमांक का जो फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस बाई एन, ठीक है ना, एस बाई एन, एस यहाँ पे क्या है, एस यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, हाँ जी, एस क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन, हाँ जी, मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन, मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन, बटे में, बटे में, बटे में आपका नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल, सॉरी ये गलती से लिख दिया, ये वर्नियर है, हाँ जी, ये गलती से लिख दिया था, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल, वो गलती से लिख दिया था मेन स्केल, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन वर्नियर स्केल,
ठीक है ना। तो भैया ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, स्मॉलेस्ट डिविजन मेन स्केल का है आपके पास 20 मिनट, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट डिविजन जो है वो आपके पास है 20 मिनट, तो 20 मिनट बटे में 60 करोगे, 20 मिनट बटे में 60 करोगे, हाँ जी 20 मिनट बटे में 60 करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 मिनट। और आप जानते हो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बटे में 3 आपके पास क्या आ गया, हाँ जी 60 सेकंड बटे में 3 आपके पास क्या आ गया, 20 सेकंड आ गया, हाँ जी 20 सेकंड आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया 20 सेकंड आ गया। तो इस तरीके से इसका जो लीस्ट काउंट आता है वो 20 सेकंड आता है। क्वेश्चन मिल जाएगा आपको गुप्ता गुप्ता में, ठीक है ना, आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा उसके अंदर। तो ये आपके पास आ गया कौन सा, वर्नियर थियोडोलाइट, ठीक है, फोटो ले लीजिएगा। अगला है प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, हाँ जी प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट में क्या होता है, ऑप्टिकल सिस्टम फिट होता है, ठीक है ना, दोनों वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को रीड करने के लिए, और इन थियोडोलाइट में माइक्रोमीटर होता है रीडिंग लेने के लिए, ठीक है ना, ऑप्टिकल सिस्टम होता है और माइक्रोमीटर लगा होता है रीडिंग्स के लिए, ठीक है ना, इसीलिए इसको माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसको जनरल यूज के लिए लेते हैं, ये तो आपका ये थियोडोलाइट तो आपका क्या है, दिस थियोडोलाइट यूज फॉर जनरल वर्क, एनी नॉर्मल वर्क जो भी है, पर प्रीसाइज वर्क के लिए कौन सा होता है, प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट या माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट भी बोलते हैं। ठीक है ना, यह थियोडोलाइट तो जनरल वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अगला है प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट या माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट, रफ कर रहा हूं इसको, प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट या माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट, प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट या माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट, माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट। भैया एक बात सुन लेना, ये क्लास लाइव चल रही है अपनी, ठीक है ना, तो ये सब कुछ सिस्टम उससे अटैच होके चल रहा है इन्वर्टर से, तो अगर बाय चांस क्लास ऑफ हो जाए तो समझ लेना इन्वर्टर की बैटरी जा चुकी है, आप लोग लीव कर देना, ठीक है ना, ये लाइव चल रही है आपकी जूम पे जो, ठीक है ना, आप लीव कर देना ये, ठीक है, कहीं आप आपस में वो साइंस क्लास बातों में लग जाओ, क्योंकि भाई मैंने जुगाड़ तो कर रखा है, क्योंकि 7 से 1 आज यहाँ पे लाइट की कटौती थी, ठीक है ना, 7 से 1 की लाइट की कटौती है, तो इसीलिए ही मैंने ये फोन अलग से चार्ज करके पहले मैंने वो रखा है, बाई चांस अगर ये नेट का चला जाएगा सिस्टम, ठीक है ना, लाइट चली जाए, लाइट तो गई हुई है, ठीक है ना, अगर ये डिस्चार्ज हो जाएगी इसकी बैटरी तो उस केस में आप लोग लीव कर देना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, प्रीसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट या माइक्रोऑप्टिक थियोडोलाइट, तो ऑप्टिकल सिस्टम है लगे होते हैं किसके लिए, आपका मेजरमेंट के लिए, इसमें क्या होता है ऑप्टिकल सिस्टम अटैच होता है, ऑप्टिकल सिस्टम अटैच होता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नापने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल सिस्टम अटैच होता है, ठीक है ना, वर्टिकल सिस्टम अटैच होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट के लिए। माइक्रोमीटर्स जो होते हैं ना, माइक्रोमीटर वो यूज होते हैं रीडिंग लेने के लिए, ठीक है ना, माइक्रोमीटर जो होते हैं ना, माइक्रोमीटर वो यूज होते हैं रीडिंग के लिए, ठीक है ना। थियोडोलाइट हैविंग माइक्रोमीटर विच आर यूज फॉर, माइक्रोमीटर विच आर यूज फॉर, विच आर यूज फॉर टेकिंग रीडिंग, टेकिंग रीडिंग्स, अजी रीडिंग लेने के लिए माइक्रोमीटर अटैच होते हैं, ठीक है ना। भैया इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड या उससे भी कम हो सकता है, इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड या उससे भी कम हो सकता है, और ये प्रीसाइज वर्क के लिए यूज होगा, ठीक है ना, ये प्रीसाइज वर्क के लिए यूज होगा, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं, फोटो ले लीजिएगा।
भैया ऑप्टिकल सिस्टम अटैच होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट के लिए, फोटो लाइट में माइक्रोमीटर होते हैं जो कि रीडिंग लेने के लिए होते हैं, जैसे उसमें वर्नियर्स है ऐसे इसमें माइक्रोमीटर्स होते हैं। थियोडोलाइट यूज्ड फॉर दिस, थियोडोलाइट यूज फॉर प्रीसाइज वर्क, यूज्ड फॉर प्रीसाइज वर्क मतलब जिसमें हमें बहुत ज्यादा परफेक्शन यूज करनी है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा परफेक्शन यूज करनी है उसमें ये यूज होगा, ठीक है ना, ये थियोडोलाइट यूज होगा, ठीक है ना, वहां पर ये थियोडोलाइट यूज होगा। विजिबिलिटी सही है ना, ये इसको पास ले लो और अब ज्यादा सही लग रहा है। हाँ जी विजिबिलिटी सही है ना, एक बार चैट पे बता दें। चलिए ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये थियोडोलाइट यूज होता है प्रीसाइज वर्क के लिए, ठीक है ना, ये थियोडोलाइट यूज होता है प्रीसाइज वर्क के लिए, ठीक है, प्रीसाइज वर्क के लिए यूज होता है। और इसका लीस्ट काउंट अल्पतमांक जो होता है, इसका जो अल्पतमांक होता है लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकंड या उससे भी कम होता है, ठीक है ना, 1 सेकंड या उससे भी कम होता है, ठीक है ना, उससे भी कम हो सकता है, 1 सेकंड या उससे भी कम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया क्या, आपके पास क्लासिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, जो साइज ऑफ थियोडोलाइट है ना, तो उसकी जो लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल होता है ना, उसका जो डाया होता है, ठीक है ना, साइज ऑफ थियोडोलाइट जो है आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आता है तो साइज ऑफ थियोडोलाइट जो होता है, साइज ऑफ थियोडोलाइट जो होता है वो क्या होता है आपका साइज ऑफ, या डाया भी कह सकते हो आप, डायामीटर ऑफ लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल, लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल, हाँ जी लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल, ठीक है ना, लोअर ग्रेजुएटेड सर्कल का डाया होता है। जनरली जनरली आपका ये जो होता है, ठीक है ना, जनरली साइज वैसे तो वैरी करता है लेकिन ज्यादातर आपका 20 सेंटीमीटर की रेंज में मिलेगा, वैसे तो वैरी करती है, जनरली 20 सेंटीमीटर वाला मिलता है, ठीक है ना। ये तो आपका एक भाग हुआ क्लासिफिकेशन का। तो थियोडोलाइट क्या है, ठीक है ना, एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, और आपको मैंने बताया कि भैया थियोडोलाइट किस किस काम आता है, मेनली तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल है, उसके अलावा उसके अदर यूजेस बताए, फिर उसका क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है पार्ट्स की, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि भैया पार्ट्स मैं जो है आपको किस पे बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको दे दूंगा पार्ट्स जो है, ठीक है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको दे दूंगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आसान रहेगा आपके लिए समझना उसपे, ठीक है ना, आसान रहेगा उसपे समझना आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको वो पार्ट्स भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, 10-15-20 मिनट का वीडियो बनेगा वो, तो वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं बढ़ रहा हूं आगे डेफिनेशंस पे, हाँ जी अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं डेफिनेशंस पे। ठीक है ना, डेफिनेशंस पे, तो डेफिनेशंस जो है अपने वो क्या क्या है और कौन कौन सी हमें काम आती हैं, या डेफिनेशंस बोल लो टर्म्स जो है जो हमें काम आती हैं, ठीक है ना, डेफिनेशंस या टर्म्स जो हमें काम आती हैं, ठीक है ना। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली है वर्टिकल एक्सिस। अजी वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, जिसके अबाउट इंस्ट्रूमेंट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है, ठीक है ना, जिसके अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करता है इंस्ट्रूमेंट जो है रोटेट करता है। तो पहला है वर्टिकल एक्सिस, जिसके अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंस्ट्रूमेंट जो है रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंस्ट्रूमेंट रोटेट करेगा, किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, एक्सेस अबाउट विच थियोडोलाइट या इंस्ट्रूमेंट लिख दो रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाँ जी जिसके अबाउट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है, जिसके अबाउट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में
रोटेट करता है, और जो ये आपकी लोअर और अपर प्लेट होती है ना, ठीक है ना, वो रोटेट करती है। ये भी बोल सकते हैं ये एक्सेस है जिसके अबाउट लोअर और अपर प्लेट रोटेट करती है, एक्सेस अबाउट विच लोअर और अपर प्लेट रोटेट करती है। जनरली ये इसके मिडिल से पास होना चाहिए। जिसके अबाउट लोअर और अपर प्लेट क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है ना, जिसके अबाउट लोअर और अपर प्लेट क्या करती है, रोटेट करती है। आज लड़के हैं क्या लाइन पे, आज लड़के कम है सोलर के हैं लगभग, हाँ जी आज कम कैसे है बैच में, लगभग आधी संख्या है, संडे की छुट्टी मना रहे हैं, हाँ जी आगे बढ़ते हैं चलिए। ठीक है, एक्सेस जिसके अबाउट इंस्ट्रूमेंट रोटेट करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या एक्सेस जिसके अबाउट लोअर और अपर प्लेट जो है लाइट की क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है ना, रोटेट करती है। इसको एक नाम और दिया जाता है वर्टिकल एक्सिस को, एजीमथ एक्सिस, इसको एक नाम और दिया जाता है एजीमथ एक्सिस, ठीक है ना, इट ऑल्सो नोन एज एजीमथ एक्सिस, ऑल्सो नोन एज एजीमथ एक्सिस, हाँ जी इट इज ऑल्सो नोन एज एजीमथ एक्सिस। हाँ जी इसको एजीमथ एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, इसको एजीमथ एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, इसको एजीमथ एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब जिसके अबाउट, देखो इस मार्कर को समझ लो आप, ये मार्कर है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, मार्कर के अबाउट इंस्ट्रूमेंट या फिर इसकी लोअर और अपर प्लेट जो है वो क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, ठीक है ना, लोअर या अपर प्लेट क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, वो आपका हो गया वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। इसी तरीके से आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस को बताएंगे, जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करेगा वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस, वो एक्सिस हो गई जिसके अबाउट टेलीस्कोप रोटेट करेगा वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस, याद है आपकी डेफिनेशन का पार्ट तो खत्म कर दूंगा मैं। कल ही अपना थियोडोलाइट खत्म हो जाएगा, कल ही अपना थियोडोलाइट खत्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ट्रूनियन एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये क्या होगा, ये आपकी वो एक्सिस हो गई जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा, जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या करेगा, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा, एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप, एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप रोटेट्स इन या जिसके अबाउट वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसके अबाउट वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना, जिसके अबाउट वर्टिकल प्लेन में टेलीस्कोप क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अगला अगला सेंटरिंग, हाँ जी अगला सेंटरिंग, थर्ड सेंटरिंग, भैया मैं साइड में रहता हूं ताकि आपको इजीली ये विजिबल हो जाए, आप इजीली फोटो वगैरह ले पाए, ठीक है ना, क्योंकि आप में से जो लोग बोलते हैं और सामने आ जाते हैं तो लिखते वक्त तो थोड़ा सा सामने आना पड़ेगा, साइड में इसीलिए आता हूं कि आप आराम से उसको देख पाए पढ़ पाए, ठीक है ना। सेंटरिंग क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस है जो आप मिड पॉइंट होता है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, उसको किस पर ट्रांसफर करते हैं, ग्राउंड पर ट्रांसफर करते हैं, किसको यूज लेते हैं, प्लम्बर को यूज लेते हैं, इसके लिए प्लम्बर को जो इनर स्पिंडल पर जो हुक प्रोवाइड होता है उस पर लटकाया जाता है, ठीक है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ
सेंटर पॉइंट ऑफ थियोडोलाइट ऑन ग्राउंड जस्ट बिलो इट, जस्ट बिलो इट, ठीक है ना। फॉर दिस प्लम बॉब इज यूज्ड, इसके लिए क्या यूज होता है, प्लम बॉब यूज होता है। करते क्या है, प्लम बॉब को आप क्या करते हैं, लटकाते हैं, ठीक है ना। करते क्या है, प्लम बॉब इज सस्पेंडेड थ्रू, प्लम बॉब इज सस्पेंडेड थ्रू, आपको पता है प्लम बॉब को लटकाते हैं, प्लम बॉब इज सस्पेंडेड थ्रू हुक प्रोवाइडेड, सस्पेंडेड थ्रू हुक प्रोवाइडेड एट द इनर स्पिंडल, थ्रू हुक प्रोवाइडेड एट द इनर स्पिंडल। हाँ जी, इनर स्पिंडल पर जो प्रोवाइड होता है, हाँ जी, इनर स्पिंडल पर जो हुक प्रोवाइड होता है उस पर लटकाते हैं, ठीक है ना। इनर स्पिंडल पर जो हुक प्रोवाइड होता है उस पर थियोडोलाइट को, उस पर सॉरी प्लम बॉब को लटकाया जाता है, उस पर प्लम बॉब को लटकाया जाता है और पॉइंट को ट्रांसफर किया जाता है ग्राउंड पर, ठीक है ना। पॉइंट को ट्रांसफर किया जाता है ग्राउंड पर, ठीक है ना। या ये कहें दूसरा भी वर्क होगा कि अगर मान लो ग्राउंड पर पॉइंट पहले से स्थापित है तो उसके जस्ट ऊपर जो आप इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करेंगे, ठीक है ना, उसके जस्ट ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे वो भी आपका सेंटरिंग में ही आ गया, वो भी आपका सेंटरिंग में आ गया। रफ कर रहा हूं इसको, एक और वर्क अपन बोल सकते हैं, इसको एक और बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द थियोडोलाइट जस्ट ओवर द स्टेशन मार्क, सेटिंग अप द थियोडोलाइट जस्ट ओवर द स्टेशन मार्क, ठीक है ना, जस्ट ओवर द स्टेशन मार्क, ठीक है ना। ये प्रोसेस है जिसमें थियोडोलाइट को जस्ट स्टेशन मार्क के ऊपर स्थापित किया जाता है, ये प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें थियोडोलाइट को स्टेशन मार्क के जस्ट ऊपर स्थापित किया जाता है, स्टेशन मार्क के जस्ट ऊपर स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। रफ कर रहा हूं इसको, ये आपका हो गया सेंटरिंग, ये रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अगला आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है ना, और एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप। तो रफ कर रहा हूं क्योंकि इसमें लोग क्या कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, हाँ जी, इसमें ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इसमें क्या है, लोग कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली आपको बता देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, भैया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करें अपन, सबसे पहले बात करें एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना ऑब्जेक्ट ग्लास का और सेंटर ऑफ आईपीस को जो लाइन जोड़ती है वो हो गई एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है आईपीस का और सेंटर ऑफ आईपीस को जो लाइन जोड़ती है, ठीक है ना, उसको अपन बोल देते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, इज द लाइन ज्वाइनिंग दी, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ, हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है, या अपन क्या बोल सकते हैं उसको, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास टू दी सेंटर ऑफ आईपीस, सेंटर ऑफ आईपीस, ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। वो लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास को किससे जोड़ती है, वो लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास को किससे जोड़ती है, आईपीस से जोड़ती है, तो क्या हो गई, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो गई। अब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, रफ कर रहा हूं इसको, लाइन ऑफ साइट क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या है, आपके पास इमेजिनरी लाइन है भैया, एक तरीके से जिस लाइन में हम देखते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन, हाँ जी, ये कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो आपका क्रॉस एयर होता है ना, क्रॉस एयर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, आईपीस के बहुत नियर होता है,
ठीक है ना, आईपीस के बहुत नियर होता है ऐसे। तो आपके पास जैसे ये आपके पास आ गया, ये आपका मान लो यहां पे क्रॉस हेयर है, तो यहां से और इसके सेंटर पर और उसका कंटिन्यूएशन, ठीक है ना, और उसका कंटिन्यूएशन जो है वो आपको क्या है, लाइन ऑफ साइट है। तो अपन बोल सकते हैं इमेजिनरी लाइन है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर को ऑप्टिकल सेंटर के ऑब्जेक्टिव से जोड़ती है और उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है ना, और उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग दी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर क्लोज होता है आईपीस के, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर जो जहां पर दोनों टकरा रही हैं, दोनों आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर टकरा रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्रॉस हेयर टू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूएशन, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट्स कंटिन्यूएशन, जो लगातार आगे बढ़ेगा ना वो, हाँ जी, एंड इट्स कंटिन्यूएशन, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो इमेजनरी लाइन, वह इमेजनरी लाइन जो कि क्या कर रही है, वह इमेजनरी लाइन जो कि क्रॉस हेयर के प्रतिच्छेदी बिंदु, क्रॉस हेयर के प्रतिच्छेदी बिंदु, क्रॉस हेयर के प्रतिच्छेदी बिंदु वह ठीक है ना, क्रॉस हेयर के प्रतिच्छेदी बिंदु वह ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ती है तथा आगे बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ती है तथा आगे बढ़ती है, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ती है तथा आगे बढ़ती है, जोड़ती है तथा आगे बढ़ती है, हाँ जी आगे बढ़ती है, ठीक है ना, आगे बढ़ती है, ठीक है ना, वो आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, ठीक है ना, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है ना, तो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो अपन लाइन ऑफ साइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो आपकी इंक्लाइंड हो सकती है, ठीक है ना। जनरली कई बुकों ने तो इसको सेम ही दिया है, ठीक है ना, कई बुकों ने तो इसको सेम ही दिया है, जैसे बीसी पुनमिया वगैरह ने तो लाइन ऑफ साइट को ही लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोला है, हालांकि है वो लाइन ऑफ साइट, लेकिन जनरली जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आती है, ठीक है ना भैया, ऐसे तो इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाती है तो ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है ना, ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आते ही, इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया लाइन ऑफ कॉलिमेशन का खेल, ठीक है। अगला आपका क्या है, आपके एक्सिस है, कौन सी एक्सिस, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कर्व होता है लेवल ट्यूब का, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, लेवल ट्यूब का जो आपका लॉन्गिट्यूडनल कर्व होता है, इसके सेंटर पॉइंट पर, इसके सेंटर पॉइंट पर जो एक्सिस टेंजेंशियल होती है, इसके सेंटर पॉइंट पर जो एक्सिस टेंजेंशियल होती है वो आपकी हो गई एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है ना। जो सेंटर पॉइंट पर जो एक्सिस आपकी क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, वो आपकी हो गई एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। तो अपन क्या कह सकते हैं इसके बारे में, द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या बबल, आपका जो बबल लाइन भी बोलते हैं, इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इट इज दी
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू दी, इज दी स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू दी, हाँ जी टेंजेंशियल टू दी लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ लेवल ट्यूब, लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर, लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, ठीक है ना। हाँ जी सेंटर पर, लेवल ट्यूब के सेंटर पर, ठीक है ना, जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल कर्व है ना, लेवल ट्यूब का जो लॉन्गिट्यूडनल कर्व है उसके सेंटर पर ये क्या है, टेंजेंशियल है, ठीक है ना। इसको एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या कहा जाता है, या इसको एक और नाम दिया जाता है बबल लाइन, इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, बबल लाइन, इसको एक और नाम दिया जाता है बबल लाइन। तो क्या स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंशियल है लॉन्गिट्यूडनल कर्व के, ठीक है ना, टेंजेंशियल है लॉन्गिट्यूडनल कर्व के लेवल ट्यूब के सेंटर पर, ठीक है ना। और आपको पता है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होगी जब बबल कहां होगा, सेंटर में होगा। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो है हॉरिजॉन्टल होगी जब बबल कहां होगा, सेंटर में होगा। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल व्हेन बबल इज इन सेंटर, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल व्हेन बबल इज इन सेंटर। तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो होगा, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो होगा हॉरिजॉन्टल होगी जब बबल जो है वो सेंटर में होगा, ठीक है ना, बबल जो है वो सेंटर में होगा, ठीक है ना। हाँ भाई कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। मैंने आपको बताया, डिफरेंस बताया, ठीक है ना, डिफरेंस बताया, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, इनका डिफरेंस मैंने आपको बताया, ठीक है। रफ कर दो, हाँ यही है, रब कर रहा हूं। भैया आप लोग लगातार मेहनत करिए, लगातार, और बढ़िया रिजल्ट के लिए एफर्ट लगाते रहिए। अभी अपने एसएससी मेंस में भी 46 स्टूडेंट्स का हो गया, मेंस में भी 46 स्टूडेंट्स का हो गया, तो आप लोग एफर्ट करते जाइए, आपको मैटर बहुत मिल रहा है, अपना मैटर है तभी इतने सिलेक्शंस मिलते हैं अपन को, ये बता देता हूं मैं आपको, अपन इतना मैटर प्रोवाइड करते हैं तभी अपन को सिलेक्शंस मिलते हैं ये, ठीक है ना। आप लोग बस मेहनत करते जाइए, मेंस एसएससी मेंस में भी अपने जो परसों रिजल्ट आया है, ठीक है ना, परसों रिजल्ट आया उसमें अपने हो गए 46 स्टूडेंट। अजी फेस लैप क्या है, ये फेस लैप, जब जो वर्टिकल सर्कल होता है ना, वर्टिकल सर्कल, अगर वो आपका ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग साइटिंग जो है ये अगर लेफ्ट में है तो फेस लेफ्ट हो गया, और जब ये राइट में होता है तो इसको फेस राइट कहते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन ली जाती है वो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और फेस राइट ऑब्जर्वेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो अपन क्या कहेंगे, व्हेन वर्टिकल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट is at left, when vertical circle of the theodolite is at left to the observer, during sighting, then जो पोजीशन है उस पोजीशन को क्या कहेंगे, भैया ड्यूरिंग आपका ऑब्जर्वेशन अगर पोजीशन उसकी लेफ्ट है तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, तो इसको पोजीशन लेफ्ट कहते हैं, द पोजीशन इज सेट टू बी फेस लेफ्ट, और जो ऑब्जर्वेशन ली जाती है इस दौरान एंड
the observation taken, and the observation taken is known as, and the observation taken is known as face left observation. Observation taken is known as, taken is known as face left observation. Face left observation. हाँ जी, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है. हाँ जी, जब आपका वर्टिकल सर्किल जो है थियोडोलाइट का, जब वर्टिकल सर्किल जो है थियोडोलाइट का लेफ्ट में ऑब्जर्वर के, तो जो पोजीशन कहलाती है वो फेस लेफ्ट कहलाती है, जो और जो ऑब्जर्वेशन ली जाती है वो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन कहलाती है. जैसे मैंने बताया ये ऐसे आप ऐसे देख रहे हैं ऐसे, लेकिन जब ये राइट में होगा ऐसे, ठीक है ना. आप इसको मान लीजिए ये आई पीस है, ठीक है ना, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक है ना. क्योंकि मेरे को ये टेलीस्कोप नॉर्मल टेलीस्कोप इन्वर्टेड भी बताना ही है, ठीक है ना, टेलीस्कोप नॉर्मल टेलीस्कोप इन्वर्टेड भी बताना ही है, ठीक है ना. तो देखिए ये स्थिति है, ठीक है ना, ये स्थिति है, ये आपकी फेस लेफ्ट हो गई जब अपन देख रहे हैं आईपीस से. अब इसको मैं रोटेट करके लाया, ट्रांजिट करके लाया, अब मेरा आईपीस तो यहां चला गया, आईपीस तो यहां चला गया, तो अपन इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो कहां चला गया, राइट में चला गया. तो ये हो गया फेस राइट. और ये जो प्रोसेस था इसको कहते हैं चेंजिंग ऑफ फेस, ये जो प्रोसेस था इसको कहते हैं चेंजिंग ऑफ फेस. और टेलीस्कोप जो फेस लेफ्ट की स्थिति में रहता है उसको कहते हैं टेलीस्कोप नॉर्मल, और जो उल्टी वाली स्थिति ये रहती है इसको कहते हैं टेलीस्कोप रिवर्स या इन्वर्टेड, ठीक है ना. तो इस बात को ध्यान रखना. तो आपको आगे बढ़ रहा हूं, फेस राइट, व्हेन ये वर्टिकल सर्कल रह गया, एक मिनट फोटो दोबारा लेना, वर्टिकल सर्कल रह गया लिखना. हाँ जी, वर्टिकल सर्कल लिखना रह गया है, अब लेना इसकी फोटो. व्हेन वर्टिकल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट इज एट लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ड्यूरिंग साइटिंग है, द पोजीशन इज सेट टू बी, या पोजीशन इज कॉल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है ना. अगर ये सिंपल आप कॉल्ड भी लिख सकते हो, पोजीशन इज कॉल्ड फेस लेफ्ट. एंड जो ऑब्जर्वेशन ली जाती है इस दौरान, ठीक है ना, और ऑब्जर्वेशन ली जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है. फोटो ले लीजिए, तो मैं फिर फेस राइट बताऊं. फेस राइट, हाँ जी, फेस राइट, फेस राइट. When vertical circle is of the theodolite is at right to the observer, हाँ जी, right में हो, जब आपका vertical circle right में हो तो आप इसको कहेंगे face right, और जो observation ली जाएंगी, और जो observation ली जाएंगी उन observation को कहेंगे face right observation, उन observation को कहेंगे face right observation, हाँ जी, उन observation को क्या कहेंगे, face right observation, ठीक है ना. अब दोनों फेस की रीडिंग लेकर के उनका मीन लेने पर कुछ एरर रिमूव होती है, जो कि मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना. जैसे ये कॉलिमेशन एरर रिमूव होती है, ठीक है ना. तो दोनों फेस की रीडिंग लेकर के कुछ एरर एवरेज करने पर, मीन करने पर कुछ एरर रिमूव होती है, जिनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा. हाँ भैया, ठीक है, उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा. आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं मैं. ट्रांजिटिंग, अगला हेडिंग है ट्रांजिटिंग. फेस लेफ्ट फेस राइट हो गया, अगला हेडिंग है ट्रांजिटिंग. ट्रांजिटिंग को और क्या क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग प्लंजिंग. हाँ जी, ट्रांजिटिंग को और क्या क्या बोलते हैं, रिवर्सिंग और प्लंजिंग. तो ये क्या है, हाँ जी, ये कौन सी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप. ये तो प्रोसेस है ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप, रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन, टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस 180 डिग्री, ठीक है ना. मेरे हिसाब से आज सेवंथ डे है अपनी, शायद सर्वे शुरू हुए मंडे से शुरू हुई थी, ठीक है ना. अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, अब मंडे से शुरू हुई थी, काफी चीजें अपन ने कर ली हैं, सेवंथ डे है आज अपना, ठीक है. हाँ जी, प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू 180 डिग्री, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिटिंग कहते हैं. हाँ जी, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिटिंग कहते हैं.
और ट्रांजिटिंग की वजह से आपका क्या होता है, टेलीस्कोप जो लाइन ऑफ साइट है टेलीस्कोप की, या ये कहें थियोडोलाइट की, रिवर्स हो जाती है। जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है भैया, रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ये आपका हो गया ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग या प्लंजिंग। ये आपका हो गया ट्रांजिटिंग, रिवर्सिंग या प्लंजिंग। कोई डाउट हो तो बोल देना भैया आप, ठीक है ना। ये तो था ऐसे, इसको कहते हैं ट्रांजिटिंग। जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है तो स्विंगिंग। ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉलर बॉल करता है ना क्रिकेट में बॉलर, तो वो जो हॉरिजॉन्टली जो मूव होते हैं उसी को स्विंग कहते हैं। तो ऐसे ही स्विंगिंग हो गया हमारा, कि जो आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है, ठीक है, या टेलीस्कोप जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, स्विंगिंग कहते हैं, ठीक है, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, स्विंगिंग कहते हैं। रफ कर रहा हूं, स्विंगिंग द टेलीस्कोप प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं टेलीस्कोप को, वो आपका हो गया स्विंगिंग, ठीक है ना, वो आपका क्या हो गया, स्विंगिंग। रोटेटिंग कह लो, टर्निंग कह लो, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया स्विंगिंग, ठीक है ना भैया। इसमें आप एक तो अगर टेलीस्कोप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको कहता है राइट स्विंग, और अगर टेलीस्कोप जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको कहता है लेफ्ट स्विंग, ठीक है ना। अगर टेलीस्कोप क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेगा, ठीक है ना, रोटेट करेगा, देन इट इज कॉल्ड एज राइट स्विंग, और जब एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा तो लेफ्ट स्विंग कहलाएगा, ठीक है। और दोनों स्विंग से जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी उसका अगर आप एवरेज ले लो या मीन ले लो तो फ्रिक्शन और बैकलैश की एरर है, बैकलैश मतलब पलटाव, फ्रिक्शन और पलटाव की एरर जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट स्विंग। अगर दोनों का आप क्या करोगे, एवरेज करोगे दोनों रीडिंग लेकर के, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग दोनों रीडिंग लेकर के अगर आप एवरेज करोगे तो आपका फ्रिक्शन और बैकलैश की एरर है, ठीक है ना, फ्रिक्शन और बैकलैश की जो एरर है वो आपकी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं by taking mean of the both swing observation, error due to
फ्रिक्शन एंड बैकलैश बिटवीन मूविंग पार्ट्स. बैकलैश मतलब पलटाव. एरर ड्यू टू फ्रिक्शन एंड बैकलैश इन मूविंग पार्ट कैन बी एलिमिनेटेड. कैन बी एलिमिनेटेड. हाँ जी, एलिमिनेट हो जाती है. ठीक है ना, कैन बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेट हो जाती है. ठीक है ना, फ्रिक्शन और बैकलैश जो है मूविंग पार्ट के बीच, उनकी एरर जो है क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है. हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा. हाँ जी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा. रफ कर रहा हूं ये. अगला है टेलीस्कोप नॉर्मल या टेलीस्कोप डायरेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है ना, टेलीस्कोप नॉर्मल या टेलीस्कोप डायरेक्ट भी बोलते हैं. टेलीस्कोप नॉर्मल या टेलीस्कोप डायरेक्ट भी बोलते हैं. तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो फेस लेफ्ट वाली जो स्थिति होती है ना, हाँ जी, फेस लेफ्ट वाली स्थिति जो होती है ना, वो टेलीस्कोप नॉर्मल या टेलीस्कोप डायरेक्ट की स्थिति होती है. जो फेस लेफ्ट वाली स्थिति होती है, ठीक है ना, वो आपकी क्या होती है, फेस लेफ्ट वाली स्थिति क्या होती है, आपकी टेलीस्कोप नॉर्मल या टेलीस्कोप डायरेक्ट की स्थिति होती है. तो अपन ये कह दें कि आपका ये पोजीशन कब है, जब वर्टिकल सर्कल जो, व्हेन वर्टिकल सर्कल जो, वर्टिकल सर्कल इज एट लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर. व्हेन वर्टिकल सर्कल इज एट लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर. हाँ जी, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में हो. हाँ जी, लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में हो. ठीक है, हाँ जी, ऑब्जर्वर के लेफ्ट में हो. ठीक है ना, व्हेन वर्टिकल सर्कल इज एट लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर, और जो बबल हो ना वो अप हो, एंड बबल इज अप. तो ये जो पोजीशन है, ये जो स्थिति है, वो कहलाती है आपके पास टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप डायरेक्ट. टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप डायरेक्ट. ठीक है ना, तो आप इस स्थिति को यही कहते हैं, टेलीस्कोप नॉर्मल या टेलीस्कोप डायरेक्ट. और टेलीस्कोप इन्वर्टेड या रिवर्स भी होता है. ठीक है ना, वो क्या हो गया भैया, टेलीस्कोप इन्वर्टेड या टेलीस्कोप रिवर्स कब हो गया, जब आपका वर्टिकल सर्कल कहा हो, राइट में हो. जब आपका वर्टिकल सर्कल कहा हो, राइट में हो. ठीक है ना, तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड और रिवर्स. ठीक है ना, टेलीस्कोप इन्वर्टेड और टेलीस्कोप रिवर्स्ड. अभी आपकी डेफिनेशन काफी हद तक खत्म होने वाली है. हाँ जी, वर्टिकल सर्कल तो राइट में हो, एंड बबल जो हो वो डाउन हो, और बबल जो हो वो डाउन हो, तो ये आपका टेलीस्कोप इन्वर्टेड और टेलीस्कोप रिवर्स कहलाता है. ये आपका टेलीस्कोप इन्वर्टेड और टेलीस्कोप रिवर्स कहलाता है. तो टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप रिवर्स का आप मीनिंग समझ गए होंगे. ठीक है ना, अगला है चेंजिंग ऑफ फेस या चेंजिंग फेस. भैया वर्टिकल सर्कल राइट में हो ऐसे, ये जैसे बबल है. ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ लिया कि आपका पहले अगर ये आप है तो बाद में क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. बबल पहले जैसे अगर आप है तो बाद में क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. ठीक है ना भाई, पहले अगर जैसे ही आप है, ठीक है ना, तो बाद में ये कैसे हो जाएगी, ऐसे डाउन हो जाएगी. ठीक है ना, अब वो अभी बता रहा हूं चेंजिंग ऑफ फेस. अगला आ रहा है, अगला आ रहा है चेंजिंग ऑफ फेस या चेंजिंग फेस. ये ऑपरेशन है चेंजिंग फेस. अगला चेंजिंग फेस, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी फेस लेफ्ट टू फेस राइट, और वाइस वर्षा. वाइस वर्षा मतलब इसका उल्टा. ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी पोजिशन ऑफ, ब्रिंगिंग दी पोजिशन फ्रॉम फेस लेफ्ट टू फेस राइट और वाइस वर्षा. फेस लेफ्ट टू फेस राइट और वाइस वर्षा. वाइस वर्षा मतलब इसका उल्टा. फेस लेफ्ट टू फेस राइट और वाइस वर्षा. वाइस वर्षा मतलब इसका उल्टा भी सही है. ठीक है ना, इसका उल्टा भी सही है. फेस लेफ्ट से फेस राइट लाना, या फिर इसका उल्टा भी सही है. ठीक है ना,
ब्रिंगिंग दी जो वर्टिकल सर्कल, आप ये भी बोल सकते हो, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि वर्टिकल सर्कल को ठीक है ना लेफ्ट से राइट में लाना, ठीक है ना, या इसका उल्टा, इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी, इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हो, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग दी वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, हाँ जी वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल सर्कल ऑफ थियोडोलाइट फ्रॉम लेफ्ट टू द ऑब्जर्वर टू दी, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर टू दी राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, टू दी राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये आपका हो गया चेंज ऑफ फेस, राइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये आपका हो गया चेंज ऑफ फेस, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या, वही है ट्रांजिटिंग ही करनी है, करना क्या भैया ट्रांजिटिंग ही करनी है, ठीक है ना, करना क्या है ट्रांजिटिंग ही करनी है, और इसके कारण कुछ एरर रिमूव होती है, इसके कारण कुछ एरर रिमूव होती है, कौन कौन सी एरर रिमूव होती है, जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, और जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन पैरेलल नहीं है एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है ना, रफ कर रहा हूं इसको, द एरर विच मे बी एलिमिनेटेड, द एरर विच मे बी एलिमिनेटेड ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ फेस, या अपन ये कहें द एरर्स विच कैन बी एलिमिनेटेड, मतलब जो रिमूव हो जाती हैं, हट जाती हैं, विच कैन बी एलिमिनेटेड बाई टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, विच कैन बी एलिमिनेटेड बाई टेकिंग बोथ फेस ऑब्जर्व, बाई टेकिंग मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, बाई टेकिंग मीन ऑफ बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, यानी कहने का मतलब समझना, अगर एक में प्लस एक्स है तो दूसरे में माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, हाँ जी, जैसे मान लो सही रीडिंग, करेक्ट रीडिंग है सी, तो एक में एक फेस में अगर प्लस एक्स की एरर है तो दूसरे में आ जाएगी माइनस एक्स की एरर, हाँ जी दूसरे में आ जाएगी माइनस एक्स की एरर, तो दोनों का जब एवरेज लोगे या मीन लोगे तो सी प्लस एक्स प्लस सी माइनस एक्स बटे में दो, तो ये आपका आ जाएगा सी, यानी करेक्टेड रीडिंग थी सी। एक बात और, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा, दोनों का जो अंतर है जो डिफरेंस है वो आएगा 2x, अंतर का मतलब तो समझते होंगे, सी प्लस एक्स में से सी माइनस एक्स घटाया तो ये आ जाएगा 2x। तो एक क्वेश्चन आया था कि दोनों फेस की रीडिंग में 3 मिनट का अंतर है, दोनों फेस की रीडिंग में 3 मिनट का अंतर है तो एरर कितनी होगी, तो भैया ये एक्स एरर ही है तो 1.5 मिनट की एरर हो गई भैया, क्योंकि जो अंतर है वो दो गुणा है, तो आपको 3 मिनट का अगर अंतर है तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, एरर कितने की हो गई, 1.5 मिनट की हो गई, तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी, रफ कर रहा हूं, तो भैया एक में अगर प्लस की एरर है तो दूसरे में माइनस की एरर होगी, तो दोनों का एवरेज हो गए तो एरर खत्म हो जाएगी, और दोनों का अंतर निकालोगे तो ये टू एक्स आ जाएगा, रफ कर रहा हूं भैया। तो कौन कौन सी एरर है, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी थोड़ी देर में मैं एक्सिस का खेल भी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में आपको एक्सिस का खेल भी समझाऊंगा, पहले एक्सिस का खेल ही समझाऊंगा, इसके जस्ट इस टॉपिक के जस्ट बाद एक्सिस का खेल ही समझाना है मेरे को, ठीक है ना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एरर खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड, ठीक है, आपका सेकंड क्या है, व्हेन एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल एक्सिस, टू दी वर्टिकल एक्सिस। तीसरा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट पैरेलल टू दी एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट पैरेलल टू दी एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। ठीक है भैया, मेरे को लग रहा है कि अपन को क्लास यहीं पे ही खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी लिमिट हो रही है। ठीक है ना, इसकी लिमिट हो रही है, लाइट वगैरह फ्लक्चुएट कर रही है, तो लिमिट हो रही है इसकी। लेकिन एक बार मैं एक्सिस जरूर समझा देता हूं, अभी एक्सिस जरूर समझा देता हूं मैं अभी। एक मिनट, ये लिमिट में है या बाहर चला गया? लिमिट में, नॉट पैरेलल। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको ताकि आपको दिखाई दे जाए। नॉट पैरेलल टू एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस, एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। हाँ जी, एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस के पैरेलल ना हो। ठीक है ना, देखिए आपको मैं समझा देता हूं एक बार एक्सिस का खेल। इस तरीके से होती है वर्टिकल एक्सिस, इस तरीके से है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस। इस तरीके से है आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है ना, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इस तरीके से, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया। ऐसे तिरछा करके दिखा देता हूं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होती है आपकी एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन के पैरेलल होती है एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। और इस तरीके से ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, वो आपकी होती है प्लेट लेवल एक्सिस। लेकिन मैं पेंस ले लूं, कुछ पेंस ले लेता हूं, कुछ उससे बता देता हूं। जैसे ये हो गया मेरे पास, इसको ले लेता हूं मैं वर्टिकल एक्सिस के तौर पे। लेकिन मैं कुछ पेंस ले लूं, आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपको समझाने के लिए, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गई, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ये अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस हो गई। ठीक है ना, और ऐसे नीचे दो परपेंडिकुलर आपस में प्लेट लेवल एक्सिस होंगी, ऐसे नीचे होंगी दो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ये ऐसे नीचे, यहां पे और यहां पे दो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एक यहां पे और एक यहां पे, प्लेट लेवल एक्सिस, प्लेट लेवल एक्सिस। ठीक है ना, इस तरीके से दो परपेंडिकुलर होंगी आपस में, प्लेट लेवल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। एक इंडेक्स एरर और होती है इंडेक्स एरर, जब आपका वर्टिकल सर्कल जीरो डिग्री नहीं बता रहा था, वो भी रिमूव हो जाती है। ठीक है ना, जब आपका वर्टिकल सर्कल आपका, जब अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस रखते हैं, ठीक है ना, जब आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल है, पर आपका वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल सर्कल जो है, वो जीरो डिग्री शो नहीं कर रहा, वो इंडेक्स एरर भी रिमूव हो जाती है। इंडेक्स एरर जब आपका वर्टिकल सर्कल जीरो नहीं शो करता, ठीक है ना, जब आपका वर्टिकल सर्कल है जीरो शो नहीं करता, ठीक है ना, जीरो डिग्री शो नहीं करता, नॉट रिप्रेजेंट जीरो डिग्री, जब आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल है, नॉट रिप्रेजेंट जीरो डिग्री जब आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ऐसा करेंगे आज शाम को 9 से 10 एक घंटे क्लास और रख लेते हैं, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है ना, तो ये ज्यादा देर उस पर चलेगा नहीं इन्वर्टर पे, सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो एक शाम को 9 से 10 और आपकी क्लास रख लेते हैं। ठीक है ना, 9 से 10 मैं भी यहाँ पे क्लास ऑफ कर रहा हूँ, शाम को 9 से 10 लाइव क्लास दोबारा यहाँ से आगे आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर रफ कर, ये यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ क्लास। ठीक है।